प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुक्रवार को गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने रामगढ़ताल झील पहुंचकर सफाई अभियान चलाया और लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक किया। इस दौरान सांसद रवि किशन हाथों में झाड़ू लेकर खुद ही सफाई व्यवस्था में जुट गए। इसके बाद उनके साथ वालों ने भी सफाई शुरू कर दी। इस मौके पर सांसद रवि किशन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साउंड और लाइट शो के लोकार्पण के दौरान झील की साफ सफाई करने की बात को आत्मसात करते हुए आज सफाई अभियान चलाया गया है, जिससे लोग सफाई के प्रति जागरूक हों और झील को साफ सुथरा रखें। सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर विकास के पथ पर अग्रसर है, यहां एम्स बन गया है, फर्टिलाइजर शुरू होने वाला है, इसके साथ गोरखपुर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, यहां फिल्म की शूटिंग हो सकती है और यहां विकास और रोजगार की असीम संभावनाएं बढ़ी हैं। इस मौके पर गोरखपुरनी से बात करते हुए गोरखपुर के सदर सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कहा, अच्छा संदेशा लेला, ये सफाई का ही उद्देश्य बा कि रामगढ़ ताल पूज्य महाराज जी का जो सपना रहे और इतना उन्होंने इतनी साफ सफाई और ये 12 करोड़ की लागत से लाइट एंड साउंड जो ग्राफिक शुरू किया, इस जगह को सुनने पर पूरे पूर्वांचल के लोग टूरिस्ट के रूप में आए और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले और एक एक बम्बई जैसे मुंबई का नेपेंसी रोड फेल हो जाए, हम लोग को वो एक संदेशा देना है पूरे देश को कि आइए देखिए प्रधानमंत्री जी भी आए, इतना हम लोगों ने स्वच्छ रखा है, उनके सपनों को प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को हम लोग पूरा कर रहे हैं। सफाई कैसे हुई हो, पूज्य महाराज जी के साथ हम जब उद्घाटन पे थे तो पूज्य महाराज जी उस वक्त भाषण के दौरान उन्होंने एक शब्द बोल दिया, मैंने उस शब्द पकड़ लिया। उन्होंने कहा था कि जगह को सफाई साफ सफाई रखेंगे तो एक बहुत बड़ा संदेशा जाएगा, टूरिज्म यहाँ बढ़ेगा, मैं चाहता हूँ यहाँ की फिल्मों शूटिंग भी शुरुआत हो क्योंकि फिल्म वाले अभी यहाँ पहुँचे नहीं, जगह को लोगों ने देखा नहीं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से सारी शूटिंग्स जो भी हैं हिंदी भोजपुरी हर भाषा की फिल्में, मैं चाहूँगा आप लोग कृपया यहाँ पर आएँ, यहाँ नौका से लेके सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्धियाँ हैं ताकि इसको पूरा देश जाने कि हम लोगों के पास भी एक नेपेंसी रोड है जैसे कि मुंबई में है। तो ये रामगढ़ ताल है जो महाराज जी ने उनका सपना था कि एक ऐसा सुंदर रामगढ़ ताल बने और आप लोग देख रहे हैं कि कितना सफा है ये, कितनी सफाई है पानी में भी, इसके अगल बगल भी गंदगी ना हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अभी प्लास्टिक के खिलाफ हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, तो आज हम लोग यही संदेशा देना चाहते हैं कि स्वच्छता सफाई और प्लास्टिक बैन कर दें हम लोग, ये संदेशा रहे। और पूज्य महाराज जी का ये जो रामगढ़ ताल है उनका ये सपना है हमारी राज्य सरकार का, ये एकदम सफाई रहे ताकि यहाँ पर पूरा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश देखने आए, जैसे वाराणसी जाते हैं अब सब लोगों का डेस्टिनेशन ये हो, क्योंकि हम लोगों ने जहाज़ों की सुविधाएँ कर दी हैं, ट्रेन्स की सुविधाएँ हैं, एम्स अब आएगा, लोगों की भीड़ आएगी और सब लोग यहाँ पर शाम को आएंगे, सैटरडे संडे यहाँ पर पैक रहता है, तो जितने भी यहाँ पे लोकल गोरखपुर के लोग हैं मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कृपया आप लोग खाएं पिए उसको जेब में, उस गंदगी को जो भी प्लास्टिक है या आप लोगों उसको अवॉइड करिए, कागज़ का टुकड़ा है, केले का छिलका है, फल खा लिया उसको अपने पास रखें, बाद में कहीं डस्टबिन में फेंकें। आज मैं सबको यहाँ से ही एक संदेशा देना चाहता हूँ, कृपया आप स्वच्छता रखें, आप बीमारी से दूर रहेंगे, आप लोग दुनिया के हर तकलीफों से दूर रहेंगे, जैसे आप शरीर को अपने स्वच्छ रखते हैं स्नान करके, अपने इलाके को, अपने मोहल्ले को, अपनी गलियों को भी आप लोग स्वच्छ रखें, और आप लोग देखिएगा मेरा देश एक जो नया भारत बन रहा है हमारे प्रधानमंत्री का, उसमें आप लोगों का कितना बड़ा योगदान होगा, जिस तरह हम लोग फॉरेन कंट्री जाके एकदम पगला जाते हैं कि वाह का अद्भुत बा हो अमेरिका का, अद्भुत बा लंदन का, अद्भुत बा साउथ अफ्रीका, कारण कि वहाँ के लोकल नागरिक स्वच्छता रखते हैं। आप कृपया सब लोग इस बात पर बड़ा सीरियसली गौर करिएगा, अगर हमने झाड़ू पकड़ा है, पूज्य महाराज जी ने झाड़ू पकड़ा है, प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू पकड़ा है, आप लोग भी झाड़ू पकड़े। हाँ, रात को आज हमारे चंद्रयान उतर रहे हैं चंद्रमा पर और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की,
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, पूरे भारत वासियों की और हमारे पूरे वो वैज्ञानिक की, जिन लोगों का ये सपना था, जिन लोगों ने ये मेहनत पूरा किया। इसरो को मैं पूरा धन्यवाद दूंगा एंड इट्स फैंटास्टिक, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आज पूरे विश्व पटल पे हम लोगों का नाम आज रात को बहुत गौरवान्वित होगा, बहुत ऊँचा होगा।